कल शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। कल शाम 6 बजे बीजेपी सीईसी की ये अहम बैठक होगी। बाकी बचे उम्मीदवारों पर चर्चा होगी इस अहम बैठक में। छत्तीसगढ़ में वंदन योजना के तहत आज 1000 महिलाओं के खाते में 1000 की राशि ट्रांसफर की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर महतारी वंदन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए। 70,12,800 महिलाओं के खाते में योजना की पहली किश्त यानी 655,55,00,000 रुपए से भी ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए और साल भर में कुल 12,000 रुपए देने का लक्ष्य है। नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। योजना का लाभ 21 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम हो और वो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हो, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। महिलाएं घर चलाने के साथ साथ घर के बजट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक बल मिलेगा। पीएम मोदी ने आज आजमगढ़ से यूपी को 34,500 करोड़ की सौगात दी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पहले चुनावी मौसम में सिर्फ योजनाओं की घोषणा होती थी, अब उद्घाटन होता है। जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। '19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे, आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें, ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं। पीएम मोदी ने यहां से विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला, कहा कि जातिवादी और परिवारवाद के भरोसे बैठने वाली पार्टियां अब घबरा रही हैं। आपका ये प्यार और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है।